प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो की शुरुआत हम दक्षिण भारत से करते हैं कि दक्षिण भारत में लगातार एक्टिविटी बढ़ रही है क्योंकि इस समय अरब सागर के साथ साथ बंगाल की खाड़ी एक्टिव हुई है। एक्टिव जो है वो बंगाल की खाड़ी ज्यादा है और अरब सागर में क्या होता है कि इसके रेमिनेंट्स ही जा रहे हैं, यानी यहाँ जो वेदर सिस्टम बन रहा है जब वो अरब सागर में पहुंच रहा है तो वहां जाके इंटेंसिफाई होता है, लेकिन वो छट से दूर चला जाता है, यानी उसका असर भारतीय तटों पर देखने को बहुत कम मिलता है। जो पहला जो डिप्रेशन आपने देखा था वो बाहर चला गया, अब जो डिप्रेशन था वो कमजोर पड़ गया था और उसके बाद वेल मैग लो प्रेशर एरिया बना, लो प्रेशर एरिया अब वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और अभी भी इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम रहेंगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी और जो तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है यहाँ लाइट रेन और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकता है, यानी कि इसका असर अब ये जो है हवाएं आप देखिए ट्रफ बनी हुई है, इस तरह से हवाएं इस तरह से घूम रही है और एक वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बनने वाला है जो साउथ अंडमान सी और ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में बनेगा। यानी कि आपने देखा था पहले लो प्रेशर एरिया बना था, डिप्रेशन बना था और चेन्नई के आसपास आया था और पूरे तमिलनाडु में आफत की बारिश उसने दी थी। अब ये जो वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया है ये अगले दो दिनों के दौरान डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और ये आगे बढ़ता रहेगा, यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ये आंध्र प्रदेश के तट की तरफ इसका रुख दिखाई दे रहा है। जो ट्रैक है वो लगभग आंध्र प्रदेश के आसपास आ रहा है, इससे चेन्नई को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। चेन्नई वगैरह के इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होगी, मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, यानी मौसम सुहावना हो जाएगा और जल भराव की आशंका नहीं है, आप उस बारिश को एंजॉय कर सकते हैं। उसी तरह से जो रायलसीमा वगैरह है और कर्नाटक है, केरल है, इस इलाके में भी हल्की से मध्यम बारिश ही जारी रहेगी, लेकिन 16 और 17 तारीख को हमें उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश के जो कोस्टल एरियाज हैं इस इलाके में एक बार फिर मूसलाधार भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर और 200 मिलीमीटर की बारिश की उम्मीद हमें नजर आ रही है, लेकिन ये अभी अनुमान है आगे का। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा और उसकी इंटेंसिटी हमें पता लगेगी, हम आपको पूरी तरह से बताते रहेंगे कि किस इलाके में, किस जिले में, किस समय कितनी बारिश होने की संभावना है, यानी कि एक अच्छा अंदाजा उस समय हम लगा पाएंगे। तो बाकी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो महाराष्ट्र के जो दक्षिणी जिले हैं यानी कि विदर्भ और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश अभी जारी रहेगी। और अगर हम अब पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में अगर आप देखेंगे तो इस समय हवाओं की दो मिक्सिंग हो रही है, यानी कि एक तो उत्तर पश्चिम दिशा से यह शुष्क हवाएं आ रही है, एक या बंगाल की खाड़ी से आ रही है। तो पश्चिम बंगाल के जो कलकत्ता, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बादल छा सकते हैं या बहुत हल्की बारिश हो सकती है। उसी तरह झारखंड के जैसे कि धनबाद, जमशेदपुर, चायवासा, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा के ज्यादातर इलाकों में छुटपुट बारिश है, कोस्टल एरिया में थोड़ी ज्यादा बारिश होगी, अंदरूनी इलाकों में हल्की बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी और मध्य जिलों में भी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बारिश बहुत कम होगी या ना के बराबर होगी। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश शुष्क रहेंगे, इस इलाके में बारिश नहीं होगी। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना ना के बराबर है, लेकिन बादल छा सकते हैं और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं लगातार चल रही हैं, हल्की हवाएं हैं, प्रदूषण बढ़ा हुआ है, कोई भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले कई दिनों तक नहीं है, यानी कि बारिश की संभावना नहीं है और जो मिनिमम टेम्परेचर वो लगातार गिर रहे हैं। अगले दो तीन दिनों के दौरान कुछ इलाकों में और इलाकों में यानी कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ऑलरेडी सिंगल डिजिट में सीकर वगैरह में टेम्परेचर आ गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन सारे इलाकों में सिंगल डिजिट में या 10 डिग्री से नीचे मिनिमम टेम्परेचर आ सकते हैं, यानी कि सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ेगी और आपको सुबह और शाम स्वेटर वगैरह और जो अपना वूलन्स है वो पहनने पड़ेंगे और दिन में हालांकि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन दिन में भी आपको प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसके कारण क्या होता है कि लोग अगर अपने आप को अनअवेयर रखते हैं यानी कि कवर करके नहीं रखते हैं तो सर्दी आपको पकड़ सकती है और नुकसान हो सकता है। और इस समय बीमारी का सीजन होता है तो इस समय अगर आप अपने आप को कवर करके रखेंगे, ढक के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रदूषण से बचने के लिए आप इंडोर एक्टिविटीज़ करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ न करें, और अगर आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है तो डबल मास्क लगा के ही आप बाहर निकलें। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।